नकुलेश्वर मंदिर, पिथौरागढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसका निर्माण किया पांडवों के सबसे छोटे जुड़वा भाई नकुल और सहदेव ने, एक ऐसा मंदिर जहां वास करती हैं दिव्य शक्तियां, जो समर्पित है भगवान भोलेनाथ को। इस मंदिर का निर्माण खजुराहो स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नजर आती हैं शिव पार्वती, उमा वासुदेव, नौवर्ग, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी, वामन, कुर्म और नरसिंह समेत 38 विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। मंदिर के दाहिने स्तंभ में हमें देखने को मिलती है बाराही, इंद्राणी, चामुंडा और बामावृत गणेश की मूर्ति। मंदिर के बाएं स्तंभ में हमें देखने को मिलती है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, जिनके दाहिने हाथों में मौजूद है, एक दाहिने हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार और बाएं हाथ में, एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में महिषासुर की बाल। महिषासुर मर्दिनी की नकुल प्रतिमा प्रतीक है शक्तिशाली हिमालय का, और ईश्वर शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया है। नकुलेश्वर यानी शक्तिशाली हिमालय में वास करने वाले ईश्वर, और नकुलेश्वर का दूसरा अर्थ निकलता है नकुल के ईश्वर यानी भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ को समर्पित पिथौरागढ़ का यह नकुलेश्वर मंदिर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर क्या है इस मंदिर के पीछे का राज। मान्यताओं के अनुसार पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, पांडवों के छोटे भाई नकुल और सहदेव की छावनी यहां हुआ करती थी, जिन्होंने यहां पर भगवान शिव को समर्पित नकुलेश्वर मंदिर का निर्माण किया। नकुलेश्वर मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में मौजूद हर एक मूर्ति इतनी बारीकी से तराशी गई है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, आखिर क्या उनके पास इतने आधुनिक उपकरण रहे होंगे। पिथौरागढ़ में मौजूद यह मंदिर अपने भीतर समाये हुए है न जाने कितने रहस्य। इस मंदिर के ठीक मध्य में एक प्राचीन शिवलिंग मौजूद है, जो दर्शाता है यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। साथ ही साथ इस मंदिर के छत का निर्माण भी एक विशेष शैली में किया गया है, जहां हमें मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थापत्य शैली की झलक देखने को मिलती है। अक्सर सावन के महीने में और शिवरात्रि को नकुलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। नकुलेश्वर मंदिर पूरे पिथौरागढ़ में अपनी शक्तियों के कारण प्रचलित है। यहां पर मौजूद नौला यानी जलकुंड, जिसका जल ग्रहण करने से शरीर की सारे फोड़े फुंसी की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अक्सर श्रद्धालु जो लंबे समय से फोड़े फुंसियों से परेशान होते हैं, नकुलेश्वर का जल अपने साथ ले जाते हैं। नकुलेश्वर मंदिर के पास आपको बहुत सारे जल के स्रोत देखने को मिलते हैं, जो प्रकृति का एक वरदान है। यहां पर अक्सर श्रद्धालु नकुलेश्वर का यह पवित्र जल अपने साथ ले जाते हैं, जिस जल में भरपूर मात्रा में मिनरल्स और दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। नकुलेश्वर का जल जितना ही पवित्र है, इस जल में मौजूद फोड़े फुंसियों को दूर करने की विशेष शक्ति के कारण नकुलेश्वर का जल
और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको पिथौरागढ़ में मौजूद नकुलेश्वर मंदिर के दर्शन कराने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।